हेलो दोस्तों, टैली के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर मल्टीपल रेट जीएसटी का अगर इनवॉइस आप लोगों को तैयार करना है तो आप उसका एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को परचेज वाउचर में ले जाता हूं। यहाँ पे एक क्रेडिटर हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिस्टर राम। हाँ, ये उड़ीसा, मतलब ये लोकल परचेज ही हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे इसको रेगुलर डीलर में ही लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर देना रहता है, पार्टी का टाइप अगर देना चाहते हैं आप। अभी इसको नॉट अप्रिसेबल रखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे जो लेजर हम लोग बनाएंगे, देखिए PUR PURCH परचेज एट द रेट 18% GST। और यहाँ पे हम लोग परचेज अकाउंट लेंगे, उसके बाद इसको यस करेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में हम लोग परचेज टैक्सेबल लेंगे सबसे नीचे में, देखिए। उसके बाद ये जो रिवर्स चार्ज ऑप्शन दिखा रहा है इसको हम यहाँ से अनेबल कर देते हैं, ये नहीं चाहिए हमको। उसके बाद यहाँ पे 18% का था, यहाँ हम लोग 18% दे देंगे। फिर ये गुड्स है, ठीक है। बट दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ ऊपर में जो आ रहा है परचेस, तो यहाँ से हम लोग इसको हटा देते हैं। F12 दबाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है यूज कॉमन लेजर एलोकेशन फॉर आइटम, इसको आप नो कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि एक आइटम है, एक आइटम हम नया बना लेते हैं। इस आइटम का नाम मैं रख दूंगा आइटम 4। यहाँ पे फीस, उसके बाद यहाँ क्वांटिटी जो है 10 पीस, रेट मान लीजिए 5,000। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे परचेज एट द 18% का है मान लीजिए, तो हम लोग यहाँ 18% ले रहे हैं। उसके बाद फिर दूसरा एक आइटम है आइटम 5, और ये भी 10 पीस, और इसका 6,000 करके ले रहे हैं हम लोग, मतलब सामान का दाम है। तो यहाँ पे हम लोग फिर दूसरा रेट लेंगे, तो यहाँ पे जीएसटी का रेट जो होगा दूसरा होगा। तो यहाँ पे बना देंगे हम लोग परचेज एट, मान लीजिए ये जो है आपका, ये आपका 5% का कुछ है, 5% जीएसटी। तो यहाँ पे हम लोग यस करेंगे, यहाँ पे परचेस टैक्सेबल लेंगे और यहाँ पे हम लोग 5% लेंगे। उसके बाद गुड्स, इंटर इंटर। उसके बाद यहाँ जिस तरह से हम लोग का जो जीएसटी का लेजर हम लोग बनाए हैं, CGST का लेजर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद IGST का लेजर यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ओ सॉरी IGST नहीं, आपका SGST का लेजर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए कैलकुलेशन कर रहा है, ये किस प्रकार से कैलकुलेशन कर रहा है ये देखने के लिए हम लोग टेक्स्ट एनालिसिस में जाएंगे। टेक्स्ट एनालिसिस का शॉर्टकट ये होता है Alt A, या फिर आप यहाँ से क्लिक करिए और फिर Alt F1 दबाइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो रेट आपको नजर आ रहा होगा, आइटम 4 जो कि 9% हिसाब से कटा हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 18% दिए थे, और आइटम 5 उसके लिए हम लोग परचेज एट 5% का जीएसटी बनाए थे, जिसमें आपका सेंट्रल टैक्स 2.50% और स्टेट टैक्स 2.50% ले रहा है, और ऊपर वाला 18% था, इसीलिए सेंट्रल टैक्स 9% और स्टेट टैक्स 9%। अलग अलग ये दोनों आइटम अलग अलग रेट में कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों।